उत्सवों पर इसी प्रकार से तैयार होते हैं। कल नंदगांव में यहां मुकाम पर पाल में श्री ठाकुर जी के नंद महोत्सव के दर्शन होंगे, इसी प्रकार से कल भी हम सभी उत्साह से आनंद से तैयार होकर नंद महोत्सव का लाभ लेंगे, उत्साह में आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, हिचमची लेंगे, खूब आनंद करेंगे। जिस प्रकार से कल हमने विवाह खेल में आनंद किया, उसी प्रकार से कल हमको नंद महोत्सव में भी आनंद करना है। कल नंदगांव की परिक्रमा देंगे, सभी कुंडों में, तीर्थ स्थानों में दर्शन इत्यादि करते हुए हम पधारेंगे वापस और सांझ को नंद महोत्सव। पूर्व में बलवंत भाई ने बहुत सुंदर सूचनाएं दी, यहीं बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं दी वैष्णवों के कहने के लिए कि कैसे कैसे अच्छा लगा बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं दी कि वैष्णवों को इस प्रकार से तैयार होना चाहिए, इस प्रकार से तैयारी रखनी चाहिए। बाबा ने बहुत बढ़िया बात करी कि शादी के वक्त कन्या को तैयार हो जाना चाहिए। आज देखो शादी होती है लड़की की, कन्या की, लेकिन मेंटली जब तक वो अपने ससुराल में रहने के लिए प्रिपेयर नहीं होती है तब तक वो सेट नहीं हो पाती है, और नहीं होती है तो रोज वो रोज फोन आते हैं। फिर सच्ची बात है ना, पहले 6 महीने से उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं इस जगह जा रही हूं, इस जगह मेरा ससुराल है और वहां मुझे तन मन धन से सेट होना है। उसी प्रकार से हम व्रजयात्रियों को, वैष्णवों को भी, हम हमारे ठाकुर जी के ससुराल नहीं, पियर आए हैं अपने, ये अपना पियर है, ठाकुर जी का घर ये तो अपना पियर है, और कौन हमको संभालेगा, ससुराल तो अपना वो है, ये तो अपना पियर है, समझ लो आप। तो हमें इस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर होके आए तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होती, और नहीं तैयार होके आते तभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, चलता रहता है। हमारे कमिटी के सभी मेंबरों को कहना है, सदस्यों को कहना है, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि 15-17 दिन से बहुत आनंद से पैशन रखते हुए बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है, आगे भी इसी प्रकार से धैर्य धारण करते हुए कार्य करें, ऐसे आशीर्वाद दे रहा हूं। क्योंकि हंसते हंसते छोटी सी बात कहनी है कि हमारा गुजराती मां केवच है कि बहु ने अने वरसाद ने जस नथी, बहु को और बरसात को जस नहीं होता है, कितना भी कले ऐसा करती है, और कितना भी गिर जाए तो कि बहुत गिरता है, और नहीं गिरे तो नहीं गिरता है। उस प्रकार से हमारे कमिटी मेंबर को भले अभी जस हो या ना हो, बाद में जरूर मिलेगा, ये बात याद रखना। इसी प्रकार से वो अपनी सेवा निभाए, यात्रियों को भी कहना है, अपनी जो भी समस्या है उनसे प्यार से विनती करें, कहें कि इस प्रकार से वो पूर्ण रूप में उनको कॉपरेट करेंगे, समाधान करेंगे और उनको सेवा का अवसर देंगे। तो वैष्णवजनों बहुत ही आनंद हो रहा है, खूब आनंद से, प्यार से, स्नेह से यात्रा चल रही है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, और मैं तो कहूं 100% नहीं 10% तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाए, काला बिंदा करना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, बच्चों को तैयार करें ना, छोटी बिंदी लगाते कोने में कहीं भी, क्यों नजर न लगे। उसी प्रकार से इतनी सुंदर अपनी यात्रा चल रही है तो ये नजर न लगे, इसलिए ये खेल हो रहे हैं, मेरे को होने चाहिए तभी तो याद रहेगा। किसी की बाल्टी गई, किसी का तंबू गिरा, किसी की धोती गई, किसी की साड़ी गई, ये सब तो होना चाहिए, ये होगा तभी तो यादगार प्रसंग है हमारे, तो याद कैसे रहेगा।